हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्योमेट्री और एलजेब्रा मैथमेटिक्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जिन्हें यदि प्रैक्टिकल तरीके से सीखा या सिखाया जाए तो इन्हें इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है। इस वीडियो में जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरेक्टिव तरीके से बनाकर सीखेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। जियोजेब्रा नाम ज्योमेट्री और एलजेब्रा की कंबाइन फॉर्म है। यह एक फ्री, ओपन सोर्स, इंटरैक्टिव और डायनामिक्स मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें आसानी से प्रयोग होने वाले इंटरफेस के द्वारा ज्योमेट्रिकल शेप्स को बहुत ही सरलता से बनाया जा सकता है। यहाँ पर ओपन सोर्स का मतलब है कि अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इंटरैक्टिव और डायनामिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर का मीन्स है कि जब हम इसके अंदर कोई शेप्स बनाने लग रहे हैं तो हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका आउटपुट देख सकते हैं। ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें ज्योमेट्री, एलजेब्रा, स्प्रेडशीट, ग्राफिंग, स्टेटिस्टिक्स और कैलकुलस सभी को हम एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। यह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एजुकेशन और इनोवेशंस में टीचिंग और लर्निंग में बहुत हेल्पफुल है। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप jiojebra.org ओपन कीजिए और इसके अंदर डाउनलोड्स पर जाकर के जियोजेब्रा क्लासिक 6 इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए। इसे ओपन करने के लिए प्रोग्राम्स पे जाइए और सिंपली लिखिए जियोजेब्रा और इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका जियोजेब्रा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जियोजेब्रा की कुछ ऐसी दिखाई देगी, जहां पर हमारे पास ऊपर कंस्ट्रक्शन टूल्स हैं। यहां पर आप मेन्यू बार देख सकते हैं, ये पूरा हमारा ग्राफिक व्यू रहेगा, ये एलजेब्रा व्यू और यहाँ इनपुट बॉक्स। जो भी फाइल्स होंगी वो .gbb एक्सटेंशन से सेव होंगी। आइए देखें जियोजेब्रा के अंदर काम कैसे करें। इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वर्जन टू वर्जन डिपेंड करेगा। जैसे कि हमारे इस जियोजेब्रा क्लासिक 6 के अंदर मेन्यू बार राइट साइड में है या आपके पास लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। टूल्स की पोजीशनिंग कहीं लेफ्ट में हो सकती है या फिर सेंटर में हो सकती है या फिर बॉटम में भी हो सकती है, तो वो वर्जन पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले मेन्यू बार, फाइल के अंदर न्यू, ओपन और सेव। नई फाइल स्टार्ट करनी है, कोई बनी हुई फाइल को ओपन करना है या फिर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, कोई इमेज जो इसके अंदर आपने बनाई है उसे एक्सपोर्ट करना है, शेयर करना है या डाउनलोड JPG में करना है, PDF में करना है, कैसे करना है वो कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इस तरीके से काफी सारे और मेन्यूज दिए गए हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिक टूल्स। ये हमारे पास सारे ग्राफिक्स के टूल हैं जो कि ग्राफिक व्यू पर एप्लीकेबल हैं। आप राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सिस, जो ये देखिए ये दिखा रखे एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाई एक्सिस। अगर आप इसको नहीं दिखाना चाहते तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो सेम वे ये यहाँ पर विजिबल हो गया। नेक्स्ट ग्रिड, इनकी विजिबिलिटी ऑफ करनी है तो इसको अनचेक कर दीजिए। अगर हमें विजिबिलिटी शो करनी है तो इसको ऑन कर दीजिए। सिमिलर वे नेविगेशन बार, अगर नेविगेशन बार को ऑन करना है तो आप यहाँ पर इसकी विजिबिलिटी ऑन कर सकते हैं। लाइकवाइज एक्स एक्सिस को आप यूनिट्स में कितना डिवाइड करना चाहते हैं, 1:5, ये देखिए यहाँ पर, जैसे वाई एक्सिस तो 1 रह गया और एक्स एक्सिस को 5 डिविजन हो गए। जूम करना है, जूम टू फिट करना है, स्टैंडर्ड व्यू करना है या ग्राफिकल व्यू देखना है, तो आप ये ग्राफिक्स के टूल्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन टूल्स, जहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री हैंड शेप कोई बनानी है या पेन के थ्रू कुछ बनाना है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट, जहां पर भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ये देखिए a = -5 4.86, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर -5 है और वाई एक्सिस पर इसकी जो हाइट है वो 4.86 है। सिमिलर वे अगर आप एक और पॉइंट बनाते हैं तो ये देखिए ए और बी, ये ऑटोमेटिकली नाम अपने आप आता जा रहा है, तो ए की एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वैल्यू ये है और बी की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वैल्यू ये वाली दे रखी है। सिमिलर वे एक थर्ड पॉइंट लीजिए सी। अब हम तीनों पॉइंट्स को जोड़कर एक ट्राइंगल बनाएंगे। इसके लिए आप लाइन के पास जाइए और सेगमेंट पे क्लिक कर दीजिए। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, सो पॉइंट पर सिलेक्शन कीजिए, अगेन सेकंड पॉइंट पर। अब फिर से हमें आगे जोड़ना है तो स्टार्टिंग पॉइंट और
एंडिंग पॉइंट, सिमिलर वे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। साइड में देखिए सेगमेंट ए बी और यहाँ पर इसकी लेंथ दिखा रखी है। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट्स के थ्रू एक ट्रायंगल बन गया जो कि पॉइंट्स को आपस में लिंक कर रहा है। मूव पॉइंटर की हेल्प से आप इसके पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, जहां पर भी आप ट्रायंगल की शेप को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें किसी लाइन के कलर को चेंज करना है तो आप ग्राफिक टूल पर जाइए और ये कलर जो दे रखे हैं आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो आप कौन सा कलर रखना चाहेंगे वो आप इजीली यहाँ पर से कर सकते हैं। इसी तरीके से लाइन अगर आपको डैश डैश लगानी है तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। कोई यहाँ पर नाम और वैल्यू अगर आपको दिखानी है तो ये देखिए यहाँ पर नीचे इसकी वैल्यू आ गई कि इसकी लेंथ कितनी है, तो वो चीज आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगी। इस तरह वैल्यू या कैप्शन आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसे लॉक करना है कि आप इसे मूव कर ही ना पाए तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए लॉक करने के बाद मैं इसे मूव नहीं कर पा रहा। ओके, तो ये हमारे पास लॉक अनलॉक का पर्पज हो गया। सिमिलर वे कुछ सेटिंग्स, कुछ नाम, एट्रीब्यूट कुछ और डिफाइन करना है तो वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। बेसिक वर्किंग में ही हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। अगेन हम पॉइंट लेकर चलेंगे, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लिया, बीच में हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। तो ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी यहाँ से लेकर के और पॉइंट बी तक। ओके, अब हम यहाँ पर से परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो जिस भी जगह पर आप परपेंडिकुलर लाइन चाहिए वहां पर क्लिक कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ओके, अब जहां पर भी आप ड्रॉप करेंगे वहीं पर ये पॉइंट फिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट पैरेलल लाइन, जिस लाइन के पैरेलल में आपको लाइन चाहिए उस लाइन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैं इस लाइन के पैरेलल में ही एक और लाइन चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो अब ये पैरेलल लाइन आ गई। अब आप मूव टूल से इस लाइन को अगर मूव करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर जो लाइन है और पैरेलल लाइन वो भी साथ साथ में शिफ्ट होंगी। ये देखिए, जो भी बेसिक टूल्स हमने डिस्कस किए उनके बेस पर हम करते हैं अपनी पहली एक्टिविटी, जिसमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके इंटीरियर अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे पॉलीगन टूल की हेल्प से, जिसमें हम पॉलीगन टूल सिलेक्ट किया, एक बिंदु यहाँ पर हमारे पास आ गई, फिर दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, और वापिस हम ए पॉइंट पर इसे मिला देंगे। तो ये हमारे पास पॉलीगन टूल के थ्रू एक ट्रायंगल बन गई है। अब हम इसके अंदर एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास एंगल टूल, सिंपली क्लिक कीजिए और जिस जिस लाइन के बीच में आपको एंगल पता लगाना है उन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अल्फा आ गया। सिमिलर वे इस लाइन को और इस लाइन के बीच में हमें एंगल ज्ञात करना है तो ये आ गया। सिमिलर वे यहाँ पर ये लाइन सेट करी और फिर इस पर क्लिक किया तो ये हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा तीनों एंगल आ गए। अब हम इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करेंगे। इसके लिए इनपुट टूल पर जाइए और यहां पर लिखिए सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज इंटीरियर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, और सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इंटीरियर एंगल्स का टोटल 180 डिग्री ही होता है। तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन हुई वो सही हुई है। अगर हम अपनी इस फिगर को सेव करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर जाइए फाइल और फाइल के अंदर सेव, और अब आप .ggb एक्सटेंशन से इस फाइल को सेव कर सकते हैं। नाउ सेकंड एक्टिविटी, इसके अंदर हम इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लाइन चूज कीजिए, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसी के साथ में इंटरसेक्टिंग होती हुई दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन लाइन हो गई। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पॉइंट पर जाइए और यहाँ पे इंटरसेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। दोनों लाइनों को वन बाय वन आप सिलेक्ट कीजिए, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का डॉट आ गया। अब हम अगर इस ब्लू पॉइंट को मूव करेंगे मूव पॉइंटर के टूल से, तो ये लाइन मूव तो होगी बट ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इसी लाइन पर मूव करता रहेगा। ये देखिए इंटरसेक्शन लाइन का पॉइंट कहीं और मूव नहीं करेगा। तो ये थी सेकंड एक्टिविटी। नाउ थर्ड एक्टिविटी, जिसमें रेगुलर पॉलीगन टूल का यूज करते हुए एक स्क्वायर वर्क बनाया जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया जाएगा। आइए इसे करके देखें। पॉलीगन टूल के अंदर रेगुलर पॉलीगन टूल को सिलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहां पर से ये पूछेगा कि कितने वर्टिसेस चाहिए, हमने कहा 4, तो ओके ये देखिए अपने आप ही यहां पर ये स्क्वायर वर्क बन गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि किसी स्क्वायर में या वर्क के अंदर 90 डिग्री के कोण होते हैं
और इसके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल्स वो भी बराबर होते हैं। तो इनका पता लगाने के लिए हम एंगल टूल का यूज करेंगे। तो एंगल टूल हमने क्लिक किया और ये देखिए पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, तो दोनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सो सिमिलर वे ये पहली रेखा फिर दूसरी रेखा, तो अगेन 90 डिग्री, तो ये देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इसी तरीके से ये रेखा और ये वाली रेखा, तो ये हमारे पास 90 डिग्री। तो चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री है, हर एक कोण 90 डिग्री है। अब हम यहाँ पर ए और सी, इसी तरीके से बी और डी के बीच में डायगोनल बनाएंगे और देखेंगे क्या वो बराबर हैं या नहीं है। तो इसके लिए लाइन पर जाइए, सेगमेंट, आप ए पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और फिर सी पॉइंट को। सो सिमिलर वे अगेन सेगमेंट पे क्लिक कीजिए और बी को क्लिक कीजिए और फिर डी को क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर अलजेब्रा के अंदर सेगमेंट ए सी की लेंथ 6.22 है और सेगमेंट बी डी की लेंथ 6.22। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती हैं कि स्क्वेयर के चारों कोण, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और इसके विकर्ण डायगोनल बराबर है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग दिस बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ जियोजेब्रा। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।